दोस्तों इन्फिनिक्स ने कर दिया यार बहुत बड़ा धमाका। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस के बारे में जो है कुछ रूमर्स निकल के आए हैं। सो इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 40 सीरीज को जो है ना ग्लोबली लॉन्च किया है यार, और तीन वेरियंट उसके अंदर बताए जा रहे हैं। एक है इन्फिनिक्स नोट 40 जो बेस वेरियंट है, इसके अलावा नोट 40 प्रो है एंड नोट 40 प्रो 5G है, यानी प्रो प्लस वाला जो वेरियंट होगा। बट पाकिस्तान के अंदर 5G वाला वेरियंट नहीं आने वाला, पाकिस्तान के अंदर जस्ट दो ही वेरियंट आएंगे, नोट 40 जो बेस वाला वेरियंट है और नोट 40 प्रो वाला जो वेरियंट है। कैमरा बम काफी शाइनी सा है और काफी प्रीमियम से लुक दे रहा है। 6.78 इंच का एक एमोलेड पैनल मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल रही है यार, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल रही है यार। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इसके अंदर आप लोगों को इनडिस्क्रिप्ट फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रही है, यानी डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेटर होने वाला है। बाकी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बैक का जो डिजाइन है यार वो काफी हद तक सिमिलर बनाया गया है यार नोट 30 की सीरीज से, एंड एज सच मुझे कोई मेजर चेंज नहीं देखने के लिए मिला। बैक पर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है यार वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। जी प्राइमरी सेंसर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक और देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा आई थिंक 3 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलता है, इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलता है। बात कर लें स्पीकर की, तो यार स्पीकर बताए जा रहे हैं कि यार JBL के साथ कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं, तो देखना ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि JBL के स्पीकर आप लोगों को पता है कि यार जो पुराना इनका नोट 30 की सीरीज भी, तो उसके अंदर JBL के स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए थे, तो काफी अच्छा साउंड होता था उनका। बट यहाँ पे भी आ रहे हैं कि JBL के स्पीकर लगाएंगे तो साउंड मतलब बेहतरीन होने वाला है। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है यह स्मार्टफोन। साथ ही साथ इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस करी थी वो मैग चार्ज के बारे में, कि वायरलेस 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है भाई अभी। इट मीन्स कि आप इसको वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हो 20 वॉट पर। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आप लोग को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 प्रोवाइड करने वाला है, और इन्फिनिक्स ने अब की बार ये चीज कही है, ये प्रॉमिस किया आप लोगों से कि इन्फिनिक्स अब की बार अपडेट्स पे भी काम करेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है लेकिन अगर बोला है तो यार यकीन कर लेते हैं क्योंकि उम्मीद के सारे ही जिंदा हम। चिपसेट यहाँ पर आप लोगों को MediaTek Helio G99 देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी जबरदस्त होने वाला है। और अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ पर्टिकुलरली इस स्मार्टफोन की, सो मेरे गैस के मुताबिक 45 to 48 thousand रुपीज के करीब कहीं होने वाली है, यानी 45,000 के आसपास कहीं इसकी प्राइस होगी, और 45,000 के आसपास ही जो प्राइस है उसके अंदर ये ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है अगर इससे ऊपर आता है तो फिर जो है ना कभी भी मतलब वैल्यू फॉर मनी तो नहीं रहेगा, काफी अच्छे कॉम्पिटिशन इस प्राइस के अंदर मौजूद है, इन्फिनिक्स के नोट 30 है नोट वो ही मौजूद है। वेल तो आप लोगों की क्या राय है इन्फिनिक्स नोट 40 को लेकर, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। बाकी मिलता हूं आपसे नई और एक्साइटिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।